मिल सकती है खुशखबरी, आंगनवाड़ी बहनों को बुलाया गया दिल्ली। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहनों, आपको बताते चले कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हर राज्य से 5 आंगनवाड़ी सेविका बहनों को दिल्ली बुलाया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों के निदेशालय में एक पत्र आया है, जिसमें लिखा गया है कि आप अपने राज्य से किसी 5 आंगनवाड़ी सेविका को दिल्ली भेजें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में सभी को कुछ कहने जा रहे हैं, उसको सुनने के लिए हर विभाग से बुलाया गया है, तो ICDS विभाग से भी हर राज्य से 5 आंगनवाड़ी सेविका बहनों को बुलाया गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि उस लेटर में ये नहीं लिखा है कि खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी, ही मानदेय बढ़ोतरी होगी तो होगी, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बार जब मन की बात हुई थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों से आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को एकत्रित करके अपनी मन की बात किए थे और उसी में ये घोषणा किए थे। हालांकि कुछ सवाल जवाब करने के लिए जो नामित आंगनवाड़ी सेविका थी, उनको पदाधिकारी पहले से ही नामित कर चुके थे कि इन्हीं को प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, बाद बाकी चुपचाप सुनेंगे। ठीक इसी तरह इस बार भी हर राज्य से 5 आंगनवाड़ी सेविकाओं को चुना गया है। वो बहनें कौन है हमें नहीं मालूम और वो लोग बताना भी उचित नहीं समझे। हमें लग रहा है कि विभाग के पदाधिकारी जो होते हैं वो वैसी सेविका को चुनकर देते हैं जो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का या विभाग का बड़ाई करे। इसमें कमियां क्या है उसको दूर करने के लिए कोई सवाल रखे, ऐसे लोगों को नहीं चुना जाता है। और उसी समय 1500 रुपये मानदेय की बढ़ोतरी की गई थी 1 अक्टूबर 2018 को। तो शायद हमें जो लग रहा है, हम भी अपनी मन की बात कह रहे हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ इनकी मन की बात होगी, सभी से सवाल जवाब किए जाएंगे और जिस तरह से लोकसभा में, विधानसभा में विपक्ष ही नहीं पक्ष के द्वारा भी आंगनवाड़ी सेविकाओं के मुद्दे को उठाया गया, इसको लेकर कहीं कुछ अच्छी घोषणा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो ही सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ घोषणा हो सकती है। अब उस दिन का इंतजार है कि आखिर क्या होगा। हम आप लोगों से बार बार कहे थे और अभी भी कह रहे हैं, आज 4 अगस्त हो गया, आप लोगों को पत्राचार करने के लिए कहे, आप लोगों ने नहीं किया, मेल करने के लिए कहे, हालांकि मेल आप लोग करिएगा भी तो शायद प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंच पाएगा, वो इसलिए कि उनका इनबॉक्स फुल है। हमने कई बार किया, बार बार हमें बताया जा रहा है कि इनबॉक्स फुल है, जब तक वहां इनबॉक्स को खाली नहीं किया जाएगा आपका मेल वहां जाएगा ही नहीं। तो हो सकता है वो जानबूझ करके इनबॉक्स को फुल करके रखे हुए हैं ताकि हम सबका मेल वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो कम से कम आप रजिस्ट्री कर सकते थे। आज आपका 25-30 रुपया खर्च होगा, कल वो सूद समेत लेकर वापस आएगा, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, दूसरे की बात में रह जाते हैं। कभी अपने मन की बात भी सुनिए, अपने दिल की बात भी सुनिए, कभी कभी दूसरों की भी दिल की बात को सुनिए। लेकिन आप लोग अपने भविष्य के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। आपको जैसे लग रहा है कि मैडम का काम है यूट्यूब पर आकर के कुछ बोल देना, ये एक यूट्यूबर है, कहीं कहीं से सुनने में आया कि मैडम यूट्यूबर है,
आप ये हमें बताइए, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यूट्यूब चला सकते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी यूट्यूब चला सकते हैं, लगभग माननीय जो सभी सांसद है विधायक है वो यूट्यूब चला सकते हैं, बड़े बड़े पत्रकार है वो यूट्यूब चला सकते हैं, तो मैं एक आंगनवाड़ी सेविका यूट्यूब क्यों नहीं चला सकती? कितने पत्रकार है जो आपकी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं? कितना आपको सरकारी मीडिया जो है वो आपके यहाँ अगर आपका न्यूज कवरेज करता है और सरकार को उसे रूबरू कराता है कि नहीं इनकी मांग जायजे है, आप धरना प्रदर्शन में भी जाते हैं, आप दिल्ली हो राजधानी या आपका पटना हो, कहीं भी आप जब स्ट्राइक पे जाते हो, धरना प्रदर्शन में भाग लेते हो, तो वहां पे जो भी मीडिया वाले आते हैं वो यूट्यूबर ही आते हैं। ये बड़े बड़े मीडिया लोग नहीं आते हैं, यूट्यूबर ही आते हैं। तो हमने आप लोगों से भी कहा था कि आप लोग भी यूट्यूब बनाइए, हर एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यूट्यूब बनाइए, अपनी कार्यों को दिखाइए, इसमें शर्म की क्या बात है? हम है यूट्यूबर तो है, हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी यूट्यूबर हैं, तो हम हैं तो क्या हुआ भाई? अपनी बातों को निष्पक्षता से रखने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप यहाँ पर अपनी मन की बात रख सकते हैं। लोग गलत सलत कुछ कुछ डालते रहते हैं, आप अपनी समस्या को क्यों नहीं डाल सकते? आप अपना जो कार्य करते हैं उसको क्यों नहीं डाल सकते? इसलिए आप लोग भी YouTube पर हर चीज डालिए। खैर विषय से हम विषयांतर हो गए, वहां नहीं जाना चाहिए। आप लोग अभी से भी रजिस्ट्री कीजिए ताकि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ हम लोगों के लिए मोदी सरकार अच्छा सोचे और कुछ घोषणा कर दे। बस इतना ही हमको कहना था कि हर राज्य से 5 आंगनवाड़ी सेविका बहन को बुलाया गया है, वहाँ मेहमानबाजी की जाएगी, इनसे मन की बात की जाएगी, समस्या सुनी भी जा सकती है या तो सिर्फ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात सुना सकते हैं। तो प्रयास हमारा है, मेहनत हमारा है, फल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है कि वो देंगे या नहीं देंगे। तो आज विशेष टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे हम लोग, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए और इतनी जो विकट परिस्थिति में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आए दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, हमारा मानदेय आज से 10 साल पहले जहां था वहीं पे है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसको देखते हुए उनका मन बदले और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए कुछ अच्छा सा घोषणा कर दें। आप लोग कमेंट करिएगा लेकिन साथ में पत्र भी भारत सरकार को भेजिएगा पॉजिटिव, उनसे हमें डिमांड करनी है, हमें आदेश नहीं देनी है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, कल के वीडियो में हमने कहा नहीं बल्कि आपको सिर्फ दिखाया था गब्बर इज बैक, उसमें क्या कहा था, हमारी अर्जी सिर्फ वहां तक पहुंचती है, हमारी आवाज नहीं। तो पत्र के माध्यम से आप अर्जी भेजिए, आवाज तो एक दिन पहुंच ही जाएगी, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत नजदीक है, हम लोग तैयारी कर चुके हैं, अब बस कुछ दिनों की बात है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने जा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन से रैली से बात नहीं मानेंगे, कोर्ट के माध्यम से जब हम जाएंगे और वहां से इनसे सवाल जवाब होगा तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा और उसके बाद हम लड़ेंगे। जिस तरह से शिक्षक लोग मैदान में उतरकर अपनी मांगों को नहीं मनवा सके तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और जब कोर्ट से डिग्री मिली तो उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और सरकार को माननी पड़ी, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देना पड़ा। तो हमें भी केंद्र के कर्मचारी का दर्जा तो मिला हुआ है ये है, लेकिन भारत सरकार अपने बच्चे को पैदा करके राज्य सरकारों के गोद में फेंक दिया है। ICDS विभाग को उन्होंने जन्म तो दिया लेकिन आज
हमें राज्य सरकार के पाले फेंक दिया गया है कि आप चाहे तो इन्हें सरकारी कर्मचारी कर दे, चाहे तो आप इन्हें बंधुआ मजदूर करके रख दे। तो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे, हम राज्य सरकार के कर्मी नहीं बल्कि आपके कर्मी हैं और मुझे केंद्र का कर्मी बन के रहना है, राज्य का कर्मी नहीं बनना है, और हमें वेतनमान आप करो, हमें अस्थायीकरण आप करो, हमें सरकारी कर्मचारी आप करो। जो भी लीडर हमारी जाती है या आंगनवाड़ी सेविका बहन जाती है, वो इतना दिमाग में जरूर डाल ले कि अगर वहां मन की बात में या आमने सामने हो या जिस तरह से भी वार्ता हो, उसमें ये बात जरूर कहे कि सर मैं आपकी कर्मी हूं, यानी कि केंद्र की कर्मी हूं, और केंद्र की कर्मी को वेतनमान अस्थाई कर्मी सरकारी कर्मी करना आपका काम है। जिस स्टेट में जैसा उनको आमदनी है, जैसा राजस्व है, उसके हिसाब से मानदेय दिया जाता है। किसी किसी स्टेट में नहीं है, तो जैसा कि बिहार में मात्र 2500 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि अन्य राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट कहीं 5000, कहीं 10000, कहीं 8000 देती है, लेकिन सबसे कम हमारे बिहार में है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और वहां पर अपने सवाल को बुलंदी से निडर होकर, निर्भीक होकर रखने का आप लोग काम करेंगे। डरने की कोई बात नहीं, आप अपना मांग रखने गए हैं, सिर्फ वहां पर उनका भाषण सुनने नहीं गए हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हमें सिर्फ आपको संदेश ये देना था कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के शायद अच्छे दिन आ सकते हैं, खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि हर स्टेट से 5 आंगनवाड़ी सेविका बहनों को दिल्ली बुलाया गया है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देखिए क्या होता है, फिर बताएंगे हम इसके बारे में अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।